हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए घर में आ गया हूं और बहुत सुंदर सुंदर गर्मियों के फूल तो यहां पर आपको दिखाई देंगे, साथ ही बहुत सारे जो पत्तों वाले पौधे हैं जो आप इंडोर में ज़्यादातर लगाते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो चलिए, जिनका ये घर है उनसे मिलते हैं, पूरे बगीचे को देखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, जिनके घर में हम खड़े हैं, हमारे सामने ही वो खड़ी हैं और उन्होंने ही ये सारी बागवानी की है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी हमारे बगिया में स्वागत है, हमारे घर में आने के लिए स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये सुंदर सा बगीचा, और साथ में जो ये पूरा बेल चढ़ रहा है दोनों तरफ अपने लगा रखा है मंदिर के, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। तो कब से कर रही है इस बागवानी को? मैं बागवानी 4-5 साल से कर रही हूँ और ये पढ़ाई के साथ साथ भी ये काम करती हूँ बागवानी का, और दीदी और मैं हम दोनों मिलके करते हैं, साथ में दीदी भी करती है अच्छा, बागवानी। दीदी भी करती हैं और आप भी इस तरह के बागवानी में हाँ जी, शौकीन हैं। तो दीदी को पहले से शौक था या आपको? दीदी को पहले से शौक था और मेरे को बाद में शौक हो गया देखा देखी। बहुत अच्छा। और पूरे गार्डनिंग को तो आपके हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं पार्वती मंडल दिनेशपुर उधमसिंह नगर से हूँ और मैंने एमकॉम बीएड किया है। बहुत अच्छा कि पढ़ाई के साथ साथ ये सारे शौक भी आप रखती हैं और अपने घर को हर एक तरह से जो है सजा रखा है बहुत खूबसूरत ढंग से। तो बाकी की बातचीत चलिए आपके गार्डन में घूमते हुए आपसे करते हैं। अच्छा पार्वती, जो आपके घर का ये मंदिर है बहुत ही अच्छा मुझे लगा, खास अट्रैक्शन यही है। तो लोग जब घर में आते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहीं पर नज़र पड़ती होगी। यस, यहीं पे नज़र पड़ती है मंदिर को देख के, सभी कहते नहीं सुंदर सजाया है मंदिर को। और मंदिर के चारों तरफ से इस तरह से फूल हो तो मुझे लगता है कि अलग से फूल ज़्यादा तोड़ करके हमें सजाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, यहीं से सब हो जाता है। एक नेचुरल सजावट दिखाई दे रही है कि ऊपर भी बेल चढ़ रहा है और दोनों तरफ जो सीढ़ियों के हैं कुछ गुड़हल और कुछ जो सीजनल पौधे हैं सदाबहार है, सदाबहार है और वो कॉस्मोस का भी लगाया है इसमें, तो और हमेशा कुछ ना कुछ पौधे बने हुए रहते हैं। यस सर। और बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है तो स्वतः मन में मेरे ख्याल से भक्ति जाग जाती है यहाँ किसी के भी आते ही। जी हाँ, और मंदिर के अंदर का दृश्य भी देख सकते हैं कितना साफ सुथरा और बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर अच्छा लगता है कि यहाँ बैठ करके थोड़ी देर बिताए। हाँ ये तो है ही, सभी आके मंदिर की ही चर्चा करते कि मंदिर को आपने अच्छा जगह बनाया है और उसमें मतलब फूल वगैरह लगा के डेकोरेट कर रखा है, सभी इसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये टिकोमा ऊपर चढ़ा हुआ है फूल की बेल, तो लगभग कितना पुराना होगा ये? ये 12 साल हो गए इसको लगाया हुआ है। अच्छा, 12 साल हो गए और तब से यहाँ पर है मंदिर में। हाँ, इसकी कटाई चटाई हर टाइम करते रहते हैं और जैसे गर्मी का सीजन आता है तो अपने आप फूल आ जाते हैं। तो सर्दियों में भी ऐसे ही पौधा बना हुआ रहता है? सर्दियों में ऐसा पौधा नहीं होता, मतलब पतझड़ का मौसम होता है तब पत्ते गिर जाते हैं, खाली टहनी टहनी बच जाते हैं, और जैसे ही समर सीजन आ जाता है तो उस टाइम अपने आप पत्ते आ जाते हैं और पत्ते आने के बाद फूल भी खिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये वही जो टिकोमा की बेल है वो है? जी सर। तो ये एक ही नीचे से आपने बेल रखा, सारे पत्ते वगैरह हटा दिए और धीरे धीरे ऐसे तब मोटा हुआ? जी सर, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मोटा हो गया है। पहले इसकी टहनियाँ निकलती थी बहुत सारी तो कटिंग कर दिया था, हमने सोचा एक ही कटिंग उसकी ऊपर चढ़ाए। अच्छा भी लगता है कि नीचे से बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है और नीचे दूसरे दूसरे फूल भी हो सकते हैं हाँ जी, और ऊपर जो है फूल फूल बहुत सुंदर लगता है। हाँ और मंदिर के दूसरे साइड में चलते हैं तो यहाँ भी बहुत सुंदर लग रहा है ये जो फूल है, तो चमेली का फूल है जी सर, चमेली ये, का फूल है। मोगरा चमेली हाँ तो इसी का ही नाम है, जैस्मिन भी हम लोग कहते हैं इसको। तो इस समय तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही होगी। जी सर, अभी इस टाइम ही समर सीजन में इसके फूल आते हैं।
और इसमें जो है जो सूखे हुए फूल हैं उनको आप तोड़ते रहते हैं, हाँ जी सर, इसके साथ सूखे फूल भी तोड़ देते हैं। साथ में जो येलो कलर का यहाँ पर फूल है ये बहुत सुंदर लग रहा है। जी सर, इसका नाम एलमंडा है और इसको पिछले साल लगाया है और इस साल ये ग्रो कर लिया है। एक ही तो साल में इतना बड़ा हो गया? इसमें गोबर की खाद डालते हैं इसीलिए अच्छा, जल्दी ग्रो गोबर कर। के खाद का असर है। हाँ, तो ये गोबर की खाद वगैरह का अरेंजमेंट कहाँ से करते ये हैं? हमारे घर में ही है, गाय है जिससे हम गोबर की खाद बना लेते हैं। अच्छा, मतलब कहीं बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है तो जी, उसी से यूज हो जाता है। बाकी जो किचन वेस्ट वगैरह है उसका भी यूज़ करते उसका भी हैं? यूज करते हैं, वही जो बच जाता है उसको भी हम इसमें डाल लेते हैं, किचन वेस्ट का भी। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर फूल जो है जीनिया का मेरे ख्याल से होगा, जी सर, जीनिया है। जीनिया ही है। हाँ तो अभी लगाया है हाल ही में इनको, जी सर, अभी लगाया है, और इधर तो पूरे क्यारी आपने बना दी। कैरी लगाई है पर कीड़ों ने सारे उसके खराब कर दिए। तो स्प्रे वगैरह नहीं किया अभी तक आपने? स्प्रे किया है, 2 बार किया है पापा ने। तो अभी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर 10 दिन 15 दिन में एक बार स्प्रे हो जाता है पौधों में तो फिर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और इधर भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, यहाँ भी एक टिकोमा की बेल है आपके, ये नीलकंठ है, सफेद नीलकंठ, नीलकंठ है, उसके बगल में जो टिकोमा। टिकोमा है, और ये बाउंड्री वॉल के साथ चढ़ाया हुआ है। हाँ जी सर, ये बाउंड्री के साथ चढ़ाया है। तो इसका तो व्यू जो है मेरे ख्याल से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ये लटका हुआ है। हाँ, बाहर से भी दिखता है और अंदर से भी, दोनों तरफ से हमने लटका के रखा है। और ये पौधा जो है पूरे साल भर बना हुआ रहता है, हाँ जी मतलब सर, मरते नहीं है एक बार लगा ना दो तो। एक बार लगाओ तो कई साल तक चल जाता है। और फ्लावरिंग सीजन जो है इसका सर्दियों में भी रहता है क्या? नहीं, सर्दियों में नहीं रहता, गर्मियों में ही रहता है इसका। पूरे गर्मियों में, हाँ बारिश के सीजन में भी खिलते होंगे? हाँ बारिश के सीजन में खिलते हैं, जैसे जाड़ा आ जाता है तो अपने आप पत्ते गिर जाते हैं, तो इसीलिए उस टाइम फूल नहीं आते, टहनी टहनी बच जाती, उसकी कटिंग कर देते थे। साथ में जो ब्लू कलर का यहाँ पर अपराजिता है, सिंगल पेटल वाला है, हाँ जी सर, सिंगल पेटल वाला तो है। ये जो बीज इसके बन रहे हैं, फलियाँ बन रही है, इनको तोड़ते हैं आप? हाँ, तोड़ के रख देते हैं, अगर बीज मतलब पौधा तैयार करना है तो उस टाइम हम इसको रख के फिर पौधा तैयार करते हैं। लेकिन अगर जैसे लगातार फूलों को खिलते रहना चाहते हैं उसको, तो ये बीज काटना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ होता ही है कि पौधे की जो भी एनर्जी होती है वो अपने बीजों को देना शुरू कर देता है और फूल फिर कम प्रोड्यूस करते हैं। जी सर, यहाँ भी मैंने देखा है कि बोतलों का बहुत अच्छा यूज़ कर रखा है आपने, तो हाँ जी सर, इसमें प्लास्टिक के सब वेस्ट बोतल हैं, हाँ इसमें ये लगाया है फ्लावर्स। तो इसमें भी आपने कटिंग किया और इस तरह के जो पोर्चुलिका है वो लगा दिए। हाँ जी सर, तो पोर्चुलिका तो बहुत छोटे छोटे पॉट में भी उग जाते हैं और अच्छे उगते हैं, और नीचे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी चांदनी, जो मिनी चांदनी है मिनी चांदनी लगाया है, वो लगाया है। अच्छा, ये तुलसी मंच जो है तुलसी बना मंच है। बनाया है तो उसी में लगा दिया आपने? हाँ, उसी में लगा दिया है, उस तुलसी का पौधा लगाना है तो अभी हुआ नहीं, तो मैंने उसमें ये लगा दिया मिनी चांदनी का। ठीक। और नीचे नीचे जो सजावटी पौधे हैं वो भी बहुत सारे हैं। गुड़हल भी है उसमें, और क्या कहते हैं, कोलियस है, शतावरी है। अच्छा, हर तरह के जो कलेक्शन है वो आपके पास है। हाँ, ये मुझे एक स्पाइ, नया दिखाई दे रहा है पौधा, पहली बार मैंने देखा है इसको, बहुत अच्छा लग रहा है ये पौधा भी। हाँ ये नया पौधा है, ये मैं कहीं से मांग के ले आई थी अच्छा, तो उसको लगाया है, और बाकी ये ये पर्पल स्पाइडर, हार्ट पर्पल है। हार्ट स्पाइडर प्लांट भी होगा हाँ, साथ और में, ये क्या कहते हैं, मैक्सिकन मैक्सिकन पिटूनिया पिटूनिया है। है साथ में। ठीक। और सब ये छोटे छोटे बॉटल काट करके आपने बनाया है, हाँ जी सर, इसमें लगाया है, और इतने हरे भरे हैं इसमें, इसका क्या राज है? गोबर की खाद डालते रहते हैं इसीलिए हरे भरे बहुत है। अच्छा, सब गोबर की खाद का हाँ जी ज़्यादा सर, यूज़ हुआ है, हाँ और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसका भी यूज़ होता है क्या? वर्मी कंपोस्ट का कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि घर में गोबर की खाद ज़्यादा है, तो उसी को तैयार वही उसी डालते से हैं। ही और हो हाँ, जाता है। और खली है, खली डालते हैं क्योंकि सरसों की खेती की थी तो इस साल खली ज़्यादा हो गई, तो उसी को डालते रहते हैं।
बहुत सुंदर। और इसमें मुझे कुछ पेंटिंग बना हुआ भी दिखाई दे रहा है, कुछ आर्ट वगैरह, तो ये आप ही करती हैं? ये दीदी ने बनाया। अच्छा, दीदी करती हैं। हाँ, दीदी पेंटिंग करती है। और बहुत छोटे छोटे गमलों में आपने ये सारे जो जिनिया के पौधे हैं वो लगा रखे हैं। मुझे लग रहा है कि 6 इंच का पॉट है हाँ। और उसी में इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। और ये सारे मैंने कुछ कटिंग से तैयार किए हैं। अच्छा, ये जो पौधे दूसरे जो दिखाई दे रहे हाँ हैं पोर्चुलेका के या हाँ गुड़हल के, तो कटिंग से ही है मोस्टली। देखिए, कटिंग से है। जो क्यारी है बाउंड्री वॉल के किनारे हैं और ईंटों से जो है डिज़ाइन करके क्यारी नुमा बना दिया इनको जी सर, बाउंड्री करके। देखिए, जी सर। पूरा व्यू जो है यहाँ से देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कलर कर दे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली चमकने लगती है। और ये बैकग्राउंड वॉल है आपका? हाँ, ये बैकग्राउंड वॉल है, ये दूसरों की बाउंड्री पर उसमें दीदी ने कलर कर दिया उस दिन किया था ना कलर। ठीक। तो यहाँ भी जो भी पौधे हैं उनको रख दिया, और छाया एरिया यहाँ पर थोड़ा रहता होगा। हाँ, इसमें सुबह शाम पानी डालते रहते हैं जिससे पौधे में फूल अच्छा खिले। अच्छा, ये जितने भी पौधे हैं इसमें सरसों की जो खली आप यूज़ करती हैं तो वो किस तरीके से करती हैं? इसमें हम सरसों की खली का यूज, जैसे एक मुट्ठी खली को भिगो देते हैं और 3 दिन तक उसको भिगो के रखते हैं, और उसके बाद एक बाल्टी पानी में उसको मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम गमलों में डाल देते हैं, जिससे क्या है खली की जितनी भी पोषक तत्व है उस पेड़ पौधों को मिल सके। बहुत अच्छा। और ये जो प्रोसेस है तो लगभग कितने दिनों में बात बात करना होता है? ये हम एक हफ्ता के बाद करते हैं, कभी कभी 2 हफ्ते बाद भी कर लेते हैं। मतलब 1-2 हफ्ते में एक बार अगर इसको डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। और मेरे ख्याल से पोर्चुलेका में थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे फ्लावरिंग सीजन में तो बहुत ज़्यादा फूल इससे प्रोड्यूस होते हैं। जी सर। तो यहाँ पर तो बहुत सारे आपने पौधे लगा रखे हैं, बहुत हरे भरे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो सारा कलेक्शन कहाँ से करती हैं ये सब? कुछ नर्सरी से कलेक्शन किया है, कुछ आस पड़ोस से किया है, और अधिकतर नर्सरी से ही खरीदा है। अधिकतर नर्सरी से है। हाँ और एक पौधा अगर घर में आ जाता है तो उसके बाद तो लगातार उसी से बहुत पौधे बन जाते होंगे। जी सर, एक पौधे से कई पौधे तैयार कर लेते हैं। तो ये जो सजावटी पौधे हैं तो इनको कभी आपने पानी में लगा करके भी ट्राई किया है? जी सर, पानी में भी ट्राई किया है, इसको पानी में रख मतलब एक बोतल में लगाया था तो इसकी भी ग्रो हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे बॉटल से। में भी इंडोर में काफ़ी अच्छा चलता है। हाँ जी सर, इंडोर में भी चलता है। ये सारे इंडोर प्लांट है पर जगह कम है, इंडोर में रखने की जगह नहीं है, इसीलिए हम इसको बाहर ही रखे हुए हैं। तो धूप में भी कोई दिक्कत नहीं होती इनको? नहीं, धूप में भी कोई दिक्कत ही नहीं आती है। मुझे लग रहा है कि आपने सभी पौधों को जैसे क्लस्टर करके रखा है इकट्ठा एक जगह, तो एक दूसरे की छाया भी उनको मिलती है हाँ जी सर, तो इस वजह से इनको ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। जी सर। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी छाया रहती है आपके, क्योंकि कटहल का पेड़ है यहाँ पर बड़ा हाँ सा, तो उसकी छाया है। और जो मकान है उसकी छाया भी है यहाँ पर। हाँ जी सर, ये मकान की वजह से छाया हो जाती है और कटहल के पेड़ से भी छाया हो जाती है, पर ये कि कटहल का पेड़ आंगन में है इससे क्या है छाया हो जाती है घर को भी। स्नेक प्लांट भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक ही लगाया था इसमें आपने शुरू में? हाँ, एक स्नेक प्लांट लगाया, लेकिन इसमें कई प्रकार के स्नेक प्लांट है, छोटे भी उसमें भी है और बड़े भी है, 3-4 वैरायटी उसी के अंदर लगा के रखा है। अच्छा, एक ही में 3-4 वैरायटी आपने लगाया है। हाँ, उसको अभी निकाला नहीं ना। ठीक। और इसको अंदर भी बहुत अच्छे से चलता है? हाँ, ये भी अंदर लगाया तो ये भी चल जाता है स्नेक प्लांट। और यहाँ सब ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके मेरे ख्याल से इन पौधों को आपने लगाया। हाँ, ये टोकरी बची हुई थी तो उसमें भी लगा दिया, दीदी ने ये बनाया है ये गमला। अच्छा, ये सीमेंट से तैयार हाँ, किया है? ये सीमेंट से तैयार किया है, इसको दीदी ने बनाया है। तो सब पोर्चुलेका है ये? हाँ, सब पोर्चुलिका है। और पोर्चुलेका को तो मेरे ख्याल से एक बार आपके घर में आ जाता है तो कभी फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, उसी से तैयार किया है सारा, कटिंग से ही तैयार किया है। सारा कटिंग से हो जाता है और रह भी जाता है पूरे साल भर, हाँ लेकिन जो ग्रोथ है वो गर्मियों में ही स्टार्ट होती है इसकी। बहुत सुंदर। और चारों ओर से एक बार देख लेते हैं और क्या क्या फूल हैं। यहाँ पर हरसिंगार का एक पौधा लगाया है, अभी इसको कटिंग कर रखा है, ये जाड़ों में इसका फ्लावर आता है।
और यहाँ पर पेटी में स्ट्रॉबेरी है क्या? हाँ जी, ये स्ट्रॉबेरी लगा के रखा है, स्ट्रॉबेरी आ भी गए इसमें कुछ। अच्छा, अभी मतलब इस समय तो लगभग खत्म हो गए होंगे। हाँ खत्म हुए हैं और अभी फिर से स्ट्रॉबेरी आने लगी है और ये। यहाँ पर कनेर का है ये शायद, हाँ कनेर का लगाया है, तो ये डबल पेटल का है। सिंगल पेटल का लगाया है अच्छा, बहुत सुंदर। और इधर जो है येलो ये, कलर में है, तो ये सनफ्लावर के ही मुझे छोटी छोटी वैरायटी है। वैरायटी है वो लग रही है। हाँ और ये हिबिस्कस है, ये बड़ी वाली, और ये वाइट कलर की गुड़हल, इसको लगाया है। अच्छा, ये हिबिस्कस वगैरह ये तो नीचे ग्राउंड में ही लगा हुआ है आपके, हाँ नीचे ग्राउंड में लगा के रखा है। जो बाउंड्री वॉल है उसी के किनारे किनारे थोड़ी सी जगह आपने छोड़ रखी है, हाँ बाकी आंगन पूरा पक्का है। हाँ आंगन पूरा पक्का है, और ये कटहल का पेड़ है जिसमें कटहल लगे हुए हैं। बहुत सुंदर। और कटहल तो मुझे लग रहा है पूरा भर करके आया हुआ है, हाँ इस साल पूरा भर के आया है कटहल। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आने वाला था तो तभी इतने ज़्यादा जो है कटहल भी देखने को मिल रहे हैं, हाँ ऊपर जी तक पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, इस बार ज़्यादा है, कटिंग किया था ना, तो कटिंग करने के बाद इस बार ज़्यादा आ गया है। मतलब पौधे को अगर कटिंग करके रखा जाए तो ज़्यादा आते हैं। हाँ और यहाँ तो दीवार में मैं देख रहा हूँ आपने वेस्ट डिब्बे का बहुत अच्छा यूज़ किया है। हाँ ये दीवार में भी लगाया है, पिछले साल और भी था तो इस साल तीन लगाए हैं, पिछले साल 4-5 डिब्बे लगाए थे। हाँ तो बॉटल को कटिंग करके ही आपने वॉल हैंगिंग तैयार कर दिया और कील के साथ इस तरह से लगा दिया बीच में से एक होल करके। तो इसके जो मिट्टी है, जैसे छोटे छोटे पॉट है, तो मिट्टी में और क्या क्या मिलाना होता है? मिट्टी के अलावा जैसे गोबर की खाद मिलाते हैं तो रेत का भी यूज़ करते हाँ हैं? मैं रेत का भी यूज़ करती हूँ, गोबर की खाद के साथ रेत और नॉर्मल मिट्टी और थोड़ा सा खली का भी यूज़ करके फिर पौधों को लगाती हूँ, जिससे क्या है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। ठीक। और यहाँ पर भी बड़े बड़े पेड़ जो है कनेर के भी दिख रहे हैं, अमरूद का भी है घर में। हाँ एक बड़ा सा पेड़ है अमरूद का, और ये कनेर लगाया है, और यहाँ पे भी गुड़हल है, और इस एरिया में अभी फिलहाल खाली है। ठीक। कोलियस का लगाया है उसमें, ये कटिंग लगाया है, इसके बाद इसको डेकोरेट करना है। और यहाँ पर ये ये जो पौधा दिखाई दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि अजवाइन अजवाइन का का है। है, ठीक। अजवाइन का लगाया है, नीलकंठ है, मिनी चांदनी है, कोलियस है, और ये साल्विया लगाया है। अच्छा, सब तरह के पौधों का कलेक्शन मतलब यहाँ पर छोटे छोटे पॉट में है। हाँ जी सर, और ये जो अमरूद का पौधा है आपका बड़ा हाँ सा जो अब पेड़ बन चुका है, तो उसी उसी का के नीचे नीचे, का एरिया है। हाँ उसी के नीचे हमने स्पाइडर प्लांट लगाया तो है। अमरूद तो मेरे ख्याल से खूब आते होंगे। अमरूद बहुत आते हैं, पर गर्मियों के सीजन वाला हम तोड़ देते हैं और जाड़ों वाला लेते हैं। तो इसका कुछ फायदा होता है कि गर्मियों के सीजन का अमरूद आप तोड़ रहे हैं? गर्मियों में जो अमरूद आते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, और जो जाड़ों में आता है उसमें कीड़ा कम लगता है, और वो खाने में भी अच्छा होता है, मीठा बहुत होता है। मतलब उस समय उसका साइज भी बहुत अच्छा बन जाता है अगर इस समय आप अमरूद नहीं लेंगे। हाँ जी और सर, यहाँ पर जो है घर के अंदर एंट्री करने की जगह है? जी सर, यहाँ पे एंट्री करने की जगह है, और यहीं साइड में हमने क्रोटोन लगाया है, कोलियस लगाया है, और नीचे उसके नीचे स्पाइडर प्लांट भी है। अच्छा पार्वती जी, आपने अपना इतना अच्छा बगीचा दिखाया और हम सबको बहुत सारी जानकारी भी दी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद है, आप हमारे घर में आए, हमारे यहाँ वीडियो बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।